और मैं चाहूँगा चूरू नहीं पूरे राजस्थान में भाजपा ने उखाड़ नहीं, मैं कसम खाई है बार और 2024 का लोकसभा की कसम खाई है कि मैं उखाड़ के फेंकाऊंगा बीजेपी कि कांग्रेस आने के बाद में थे बिल्कुल पूरा मतलब भारत में विकसित कर चो अलग अलग जो एरिया मैं जांच से और देख से बन की गारंटी राजस्थान मिल रही था मिल रही है ये कोई नहीं पूछ ले मेरे सागर चालू प्राइवेट हॉस्पिटल लाइन लाग रही है फ्री में इलाज हो रही है और के विश्वसनीयता चाहिए थे बताओ। लेकिन सर पीछे काफी सारा पेपर वगैरह स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम आई पेपर वगैरह भी लीक होगा तो, हाँ, तो सुधार लगभग 90% में सुधार राजस्थान सरकार करे बाकी यूपी में तो थे पूछो थे पूछो ही को नहीं मीडिया रजा की सिवाय नकल कर पेपर आउट होने की हो ही को नहीं बैठे एक ही सवाल कौन पूछे बैठे कोई मीडिया जाएगी। राम राम साथ थे देख रहे हो जलको चूरू और जलको चूरू से हमारे साथ गए हैं मुस्तक खान जो कि अभी राजस्थान कांग्रेस कमेटी से सचिव घोषित किया गया है। राम राम सर। राम 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 सर बहुत बहुत बधाई हो भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आभार। अच्छा तो सर आग अंदर जो चर्चा हुई बी के बारे में थारी कहीं राय है अंदर संगठन और सरकार की जो नीति है संगठन के द्वारा आगे बढ़ाना खातर सरकार वापस रिपीट करना खातर संगठन में जो भी बढ़िया बढ़िया काम करो वो बने मान सम्मान देना और आगे आगे बढ़ाने को जो प्रोग्राम हो और आ मीटिंग असफल मीटिंग और सबको सब में जोश हो पर सब एक सुर का मैंने कांग्रेस की सरकार वापस लेने की घोषणा करी है और वचन लिए सारा सब संबोधित करा बाकी ऐसा की बात सहमत हो गया बिल्कुल बे एक तरीके से कांग्रेस पार्टी वर्करा में जान फूंक दी और आई जो जान फूंकी भाई मैं आगे लेके तो बूथ स्तर तक जाने को मारा लक्ष्य है और सबने अलग अलग लक्ष्य दिए वो लक्ष्य लेके आगे बूथ स्तर तक जाओगा काम करेगा सरकार की नीतियाँ बताओगा संगठन की उपयोगिता बताओगा संगठन आगे जाके संगठन का आदमी ही जो सरकार में भागीदार बनेगा इस तरीके की जो नीति बनाई है बहुत कारगर नीति और सफल होगी राजस्थान में। अच्छा तो सर थारो का ही मतलब अभी जो विधानसभा चुनाव है आगामी बाकी जोर जोर से तैयारियां चल रही भी थारी का ही भूमिका निभा सो पर्सनली मैं यदि पार्टी माना मौको देसी तो मैं चुनाव लड़ूंगा यदि कोई प्रत्याशी देवेगी तो 200% भी जिताने को पूरा प्रयास करूंगा पर मैं चाहूंगा चूरू नहीं पूरे राजस्थान में भाजपा ने उखाड़ नहीं मैं कसम खाई है बार और 2024 का लोकसभा की कसम खाई है कि मैं उखाड़ के फेंकाऊंगा बीजेपी का। इसका दो चार कारण बता देता सर। इसका कारण है कि दो नहीं हजार कारण है सिवाय झूठ और सांप्रदायिकता के अलावा बीजेपी को कोई एजेंडा को नहीं है बता दो एक भी यदि कोई वहाँ कोई योजना उद्देश्य है तो बता दो यदि मोदी जी एक भी यदि अशोक गहलोत से राय ले कि और जो चिरंजीवी योजना भी लागू कर दे राशन आरी कर दे बिजली आरी कर दे तो देश में बहुत ज़्यादा फायदा है और करना चाहिए मोदी जी ने आगे लेकिन सिवाय झूठ बोलने के बाद और कोई एजेंडा को नहीं। सर एक को कहीं विश्वास करे जनता कि कांग्रेस आने के बाद में थे बिल्कुल पूरा मतलब भारत में विकसित कर चो अलग अलग जो एरिया है जांच से और देख से बन की गारंटी राजस्थान मिल रही था मिल रही है ये कोई नहीं पूछ ले मेरे सागर चालू प्राइवेट हॉस्पिटल लाइन लाग रही है फ्री में इलाज हो रही है और के विश्वसनीयता चाहिए थे बताओ। लेकिन सर पीछे काफी सारा पेपर वगैरह स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम आई पेपर वगैरह भी लीक होगा सरकार पहले से एक कानून बना दियो अब और सख्त कानून बना रही है जो पेपर लीकेज आ रहा नकल आ रहा और सख्त कानून ले रही है सरकार के प्रति वचनबद्ध प्रतिबद्ध है कि इन रोकने के लिए लेकिन थोड़ा समय लगे और समय हर चीज़ में लगे सुधारने खातर तो सुधार लगभग 90% में सुधार राजस्थान सरकार करे बाकी यूपी में तो थे पूछो थे पूछो ही को नहीं मीडिया रजा की सिवाय नकल कर पेपर आउट होने की हो ही को नहीं बैठे एक ही सवाल कौन पूछे बैठे कोई मीडिया जाएगी अड़ा तो 90% रोक दियो सारा सिस्टम तो मतलब इनको कहीं विश्वास है कि अगर जो 5 साल को कार्यकाल है बहुत हम टाइम पूर्ण रूप से सही है थे तो बोल रहे कि टाइम कम पड़ जाओ टाइम लागे तो मतलब क्या विश्वास करा कि 5 साल भी तो कम पड़े इसका नहीं 5 साल कम क्या पड़ेगी अब भी काम कर दियो सरकार बिना 5 साल काम कर दियो और ये योजना नहीं आगे ले जाओगी ये योजना बीजेपी आओगी तो योजना बंद कर देगी जनता त्रस्त हो जाएगी तो जनता ने जनता कांग्रेस ने वोट देसी ये योजना बचाना खातर देसी जो जन उपयोगी योजना है आज लाभ मिल रहे जनता ने डायरेक्ट लाभ मिले तो कोई गांव में मेरे सागर चलो कोई गांव गली शहर में चलो जनता ही कैसी अशोक जी सरकार कांग्रेस सरकार जो काम करे है शायद ही कोई वर्ल्ड में ही कोई कौन करे आज तक। अच्छा और अभी मोदी जी भी बड़ा है चुनाव के खातिर ही अभी के बारे में जानो रसी वहाँ को जनता को नहीं सीटा कुर्सियाँ खाली पड़ी है देख लो बार बीकानेर रैली हुई अजमेर रैली हुई थे खुद दिखा रहे हो पूरी सीटा खाली पड़ी है आ रहा है जनता को अंजारी वहाँ का जनता का मूड को नहीं वांग जाना को मतलब थे तो पूरी पूरी ठान ली कि कांग्रेस है तो आगे कांग्रेस ही लड़ना है उखाड़ की फेंकना को है बीजेपी ने केंद्र से और अड़ा सत्ता वापस लड़ना दोनों मकसद है कांग्रेस को।